अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त से चॉकलेट केक डेजर्ट की रेसिपी। और देखिए कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है और इतना सॉफ्ट ये बनकर तैयार होता है कि जैसे ही आप इसको खाएंगे तो ये आपके मुंह में जाते ही घुल जाएगा। तो अगर आपके घर पे कोई मेहमान आ रहे हो और आपको कुछ मीठा बनाना हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक जूसर जग लिया है। जूसर जो है वो हर घर में मौजूद होता है तो इसलिए हम आज जूसर जग में केक को बनाएंगे। तो इसमें ऐड कर देंगे 3 अदद अंडे। अंडे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जब भी हम केक से रिलेटेड कोई चीज़ बनाएं तो उसमें अंडे रूम टेम्परेचर के यूज़ करने हैं और अंडों को अच्छे से चेक करके फिर यूज़ किया करें। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप कुकिंग ऑयल, पिसी चीनी 1 कप, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें 3/4 कप मिल्क ऐड कर देंगे। मिल्क हमने यहाँ पे रूम टेम्परेचर का यूज़ किया है। अब इन सब चीज़ों को हम कवर करके अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। देखें 2 मिनट हो चुके हैं और हमने देखें इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और देखें कितनी फटाफट से जो हमारा मिक्सचर है ये तैयार हो चुका है। और यहाँ पर हमें किसी भी बीटर की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से जो आपके पास जूसर घर में होता है इससे सिंपल हम इस केक को बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम 1.5 कप मैदा लेंगे। तो पहले हम 1 कप मैदा ऐड करेंगे, 1/2 कप टोटल, ये हो गया हमारे पास 1.5 कप मैदा। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप कोको पाउडर, 1 टेबल स्पून भरकर हमने यहाँ लिया है बेकिंग पाउडर, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे, 1/4 टीस्पून नमक। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से छान लेंगे और अब विस्क की मदद से हम इसको बिल्कुल आराम से फोल्ड कर लेंगे। और देखें कितनी जल्दी से जो हमारा केक का बैटर है ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसको बिल्कुल आराम आराम से आपने फोल्ड करना है। बिल्कुल झटपट से तैयार होने वाला ये केक डेजर्ट है और इतना मज़े का लगता है जब आप इसको बनाएंगे तो आप इसको बार बार बनाएंगे। आप यकीन कीजिए ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार होने वाला है। तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और देखिए कितने अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। अब इसके जो साइड्स पे लगा है इसको भी हम बाउल में ऐड कर लेंगे। और देखें बिना मेहनत के कितनी जल्दी हमने केक के बैटर को तैयार कर लिया है। अब इसको हम एक साइड पे रखेंगे। अब यहाँ पे हमने एक बेकिंग ट्रे ली है और जो हमने बैटर तैयार किया है ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ट्रे को हमने अच्छे से ऑयल से ग्रीस करके इसमें बटर पेपर लगा लिया था, सारा बैटर हम इसमें ऐड कर देंगे। आपके पास अगर इस तरह की ट्रे ना हो तो आप किसी भी मोल्ड में इसको बेक कर सकते हैं। बैटर ऐड करने के बाद इसको हम थोड़ा सेट कर लेंगे और 1 से 2 बार हम इसको टैप कर लेंगे। इस तरह से जो भी इसमें एयर बबल्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम इसको ओवन में बेक करेंगे। तो ओवन को मैंने 10 से 12 मिनट के लिए 180 पे प्रीहीट कर लिया था। तो अब हम इसको बेक करेंगे 30 टू 35 मिनट्स के लिए। 30 टू 35 मिनट्स हो चुके हैं और आप देख सकते हैं केक हमारा अच्छे से बेक हो चुका है। तो अब हम इसको यहाँ पे चेक करेंगे। तो एक टूथपिक की मदद से इस तरह से हम इसके सेंटर में ऐड करेंगे और देखें टूथपिक बिल्कुल साफ़ है। तो इसका मतलब है केक हमारा अच्छे से बेक हो चुका है। अब यहाँ पर हम एक फॉग लेंगे और इस तरह से इसमें होल कर लेंगे। इस तरह से होल करने के बाद अब यहाँ पर हम केक को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक हमारा केक ठंडा हो रहा है हम अपना सेकेंड स्टेप कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 कप मिल्क लिया है और इसमें हम 1/4 कप कंडेंस मिल्क ऐड कर देंगे और इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसको हम एक साइड पे रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है और इसमें हम ऐड कर देंगे 1/4 कप कोको पाउडर। कोको पाउडर को मैंने अच्छे से छान कर फिर यूज़ करना है। 1/4 कप मैंने यहाँ पे पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो टोटल 3 टेबल स्पून मैंने इसमें पानी ऐड किया है और आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसको हम एक साइड पर रख देंगे। साथ ही यहाँ पर मैंने 1 कप व्हिपिंग क्रीम ली है और अब क्रीम को हम अच्छे से बीट कर लेंगे। देखें क्रीम हमारी अच्छे से बीट हो चुकी है। अब यहाँ पर जो हमने कोको पाउडर को मिक्स करके रखा था पानी में ये हम इसमें ऐड कर देंगे और अब इसको भी हम बीट कर लेंगे। देखें क्रीम हमारी कितने अच्छे से विप हो चुकी है। अब इसको हम एक साइड पे रख देंगे।
अब हम इसको जो साइड पे लगी हुई है सब बाउल में ऐड कर लेंगे इस तरह से। देखिए कितनी जबरदस्ती हमारी क्रीम जो है वो व्हिप हुई है। अब इसको हम एक साइड पे रखेंगे। केक हमारा रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। अब यहाँ से हम इसकी साइडों को लूज कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने इस तरह की एक डिश ली है। अब मैं इसके साइज का केक को कटिंग करके इसमें लगा दूंगी। देखिए इस तरह से दो डिशों में मैंने यहाँ पे केक को सेट कर लिया है। मेरे पास एक बड़ा मोल्ड नहीं था तो मैंने इसलिए इनको दो में सेट किया है। और देखिए केक हमारा कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा राइज हुआ है। अब फॉक की मदद से इस साइड पे भी हम इस तरह से होल्ड कर लेंगे। और अब यहाँ पर जो हमने मिल्क तैयार करके रखा था इस तरह से हम इस पर ऐड कर देंगे। इसको भी हम अच्छे से सोक कर लेंगे। देखिए जितना भी मिल्क हमने इसमें ऐड किया है वो सारा इसमें अच्छे से सोक हो चुका है। अब यहाँ पर जो क्रीम हमने व्हिप की थी ये हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको लेवल कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने सिंपल चॉकलेट ली है और उसको मेल्ट कर लिया है। अब इससे हम इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। इस तरह से हम पूरे पे कर लेंगे। आप जिस तरह चाहें जिस स्टाइल में चाहें इसको डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने सब पे लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। अब यहाँ पर हम एक टूथपिक की मदद से इस तरह से इस पे लाइंस क्रिएट कर देंगे। देखिए ज़बरदस्ती हमारी लाइंस जो है ये क्रिएट हो चुकी हैं। अब हम इसको भी डेकोरेट कर लेंगे। तो इस वाले इसको हम इधर रख देंगे और इसको हम अपने पास ले आएंगे और इस तरह से इसको डेकोरेट करेंगे। देखिए इस तरह से हमने पूरे पे राउंड बना लिया है। अब हम एक टूथपिक लेंगे। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे और इस तरह से हम इसमें डिज़ाइन दे देंगे। और देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा ये डिज़ाइन बनता जा रहा है। बहुत सिंपल है। देखिए इस तरह से पूरा डिज़ाइन जो है हमारा बनकर तैयार हो चुका है। और अब इसको यहाँ पर हम आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ठंडा होने के लिए। जैसे ही ये अच्छे से चिल्ड हो जाएगा तो फिर हम इसको सर्व करेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो चलें इसको फ्रीज़र में रखते हैं। आधा घंटा हो चुका है और हमने इसको फ्रीज़र से निकाल लिया है और आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा हमारा चॉकलेट केक डेजर्ट तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।